नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो गौरी घाट में लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर मीडिया में खबरें प्रकाशित होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर एनजीटी ने गुरुवार को कपाली गौरी घाट पर अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्यवाही की है। कपाली गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा मीडिया खबरों पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी को कार्रवाई कर कड़े निर्देश दिए गए। इसके बाद एनजीटी द्वारा गौरीघाट पर कार्रवाई को लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा गौरीघाट पर छापेमारी की गई। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी, जिला कार्यपालक दंडाधिकारी समेत सरायकेला SDM शामिल थे। कार्रवाई के दौरान यहाँ से भारी मात्रा में अवैध बालू स्टॉक को जब्त किया गया है। कार्रवाई के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हाई कोर्ट ने अवैध बालू खनन मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी को निर्देशित किया है। आज किए गए छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी कोर्ट में 15 अप्रैल को सौंपी जाएगी, जिस पर अगली सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि गौरीघाट से बड़े पैमाने पर भारी मात्रा से दिन रात अवैध बालू खनन संबंधित मामले सामने आ रहे थे, जिस पर स्थानीय जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा खाना पूर्ति कार्रवाई की जा रही है। अखबार में छपा था गौरी घाट में इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में, तो स्लो मोटो लेते हुए माननीय एनजीटी ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरायकेला खारसावा थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं हूँ, और झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से राम प्रवेश जी हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी तरफ से EDM को प्राधिकृत किया, तो संजय जी हैं उनकी तरफ से। अब ये मामला है कि इलीगल सैंड माइनिंग यहाँ पर गौरी घाट जो सोनरेखा रिवर में है, इसको जांच के लिए हम लोगों को भेजा गया है। अब हम लोग ये रिपोर्ट 15th को हियरिंग है NGT में 15 अप्रैल को, और हम लोग अपना रिपोर्ट 13 या 14 तक वहाँ जमा करने के। लगभग कितना सर हम लोग कैलकुलेट करके, और हम लोग को बस अब आज हो गया 9 तारीख, 14 या 15 को हम लोग NGT में सारा चीज रिपोर्ट जमा करें। किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या सर मौके से? अभी कुछ नहीं किया है, कोई एक्शन अभी नहीं लिया गया है। एक्शन हम लोग जब अपना रिपोर्ट्स बना लेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उस बेसिस पर एक्शन। सर लोकल स्तर, ये तो लोकल स्तर का नहीं तो NGT का मामला है, लोकल स्तर में तो लोकल स्तर वाले से पूछना पड़ेगा आपको। जिनके जमीन ठीक है, धन्यवाद, हो गया, स्टॉक मिला है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे गेट खोलो। देखिए NGT का मामला है, थोड़ा सब जुडिस मामला में ज्यादा नहीं बता सकते हैं। जब मामला रिपोर्ट जब वहाँ चला जाएगा ना, तो 14-15 को आप लोग वहाँ के वेबसाइट से निकाल के दिखा जा सकता है। ऑर्डर में सारा आ जाएगा जो भी रिपोर्ट दे। राजीव रंजन।